नमस्कार, आज हम बात करते हैं बिहार के सबसे अमीर सांसद की। यूं तो हमारे मन में जो बात है वो ये है कि राजनेता चाहे कोई भी हो, अगर वो एक बार विधायक या सांसद बन जाता है तो वो अमीर हो ही जाता है। पर ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में तरह तरह के राजनेता हैं। कई राजनेताओं की संपत्ति को लेकर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे राजनेता ऐसे भी हैं जो ईमानदार भी हैं और ईमानदारी की कमाई से ही अपना जीवन यापन करते हैं। बहरहाल, आज हम बात करेंगे बिहार के अमीर सांसदों की। हमारे राज्य बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में मुकाबला करीब करीब एक तरफा रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल का खाता नहीं खुल पाया। आपके मन में अक्सर इस बात की जिज्ञासा तो पैदा होती ही होगी कि आखिरकार बिहार का सबसे अमीर सांसद कौन है। तो आइए, आज हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर देते हैं और बिहार के टॉप 5 अमीर सांसदों की सूची आपके सामने रखते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस बात को जान लीजिए कि बिहार का सबसे अमीर सांसद कोई पुरुष सांसद नहीं है, बल्कि एक महिला सांसद है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनावी सुधारों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संगठन एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की सबसे अमीर सांसद वैशाली से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर निर्वाचित हुई वीना सिंह हैं। इनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनके पास लगभग 34 करोड़ की संपत्ति है। वीना सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को परास्त किया था। दिलचस्प बात तो यह है कि वीणा सिंह के बाद दूसरा नंबर भी एक महिला सांसद का ही है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी बिहार की दूसरी सबसे अमीर महिला लोकसभा सांसद हैं। इनके पास 32 करोड़ की संपत्ति है। वीणा सिंह और रमा देवी के बाद तीसरा नंबर पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल का आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। संजय जायसवाल के पास कुल 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पिता श्री मदन प्रसाद जायसवाल भी पश्चिम चंपारण के सांसद हुआ करते थे। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय की बारी है। नित्यानंद राय के पास तकरीबन 19 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति है। नित्यानंद राय के बाद नंबर आता है औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह का। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार सुशील कुमार सिंह के पास भी करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हमें उम्मीद है कि हमारी दी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।